तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। देखो इंडियन सिनेमा में बॉलीवुड चले ना चले लेकिन साउथ इंडस्ट्री फुल ऑन हाई पीक पर है। मतलब अगर देखा जाए तो साला बॉलीवुड भी धीरे धीरे उधर की ओर खिसक रहा है। कैसे? देखो जवान जो आज पैन इंडिया मूवी रिलीज हो रही है, SRK ने इतना जबरदस्त गेम खेला, साउथ एक्टर्स भर डाले सारे के सारे, कैमियो भी साउथ का ही भर डाला, जैसे विजय थालापति। इसी तरह संजय दत्त, ये बंदा आफ्टर KGF विलन के रोल के लिए क्या ट्रेंडिंग में आया है, कमाल है। एक जो प्योर गैंगस्टर वाला लुक होता है ना, कसम से इस बंदे को साउथ इंडस्ट्री निखार रही है इस रोल में। दोस्तों लियो द मोस्ट वायरल एंड ट्रेंडिंग अपकमिंग मूवी जिसके मेन लीड पर वन ऑफ द बिगेस्ट पैन इंडिया सुपरस्टार थालापति विजय आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि इस मूवी का जबरदस्त प्रोमो 5 महीने पहले ही आ चुका था और अब कल को ही पहला ग्लिम्स निकाला गया है। और भाई साहब संजय दत्त तो क्या जबरदस्त लुक दिया है इसमें, तबाही है बिल्कुल। एक बार के लिए लग रहा है कि कोई अमेरिकन राउडी गैंगस्टर है। मतलब संजय दत्त की क्या पर्सनैलिटी है बाबा, ये ऐसे टिपिकल निगेटिव कैरेक्टर सिर्फ यही बंदा है जो जमता है इसमें अपने संजू बाबा। मजा आ गया ग्लिम्स देखकर। डायरेक्शन में काफी दम देखने को मिल रहा है और एक स्ट्रेटजी बड़ी शार्प चला रहे हैं मेकर्स की तरफ से कि पहले विलन को इतना पावरफुल दिखा दो कि लोग फिर इमेजिन करते रह जाएं या फिर उनका पूरा ध्यान अब मूवी की पॉजिटिव एंगल में स्विच हो जाए। कैसे? देखो लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं कि यार जब विलन इतना धांसू है तो साला इसको बीट डाउन करने के लिए हीरो का क्या हाइप रहने वाला है। तो स्टोरी दमदार लग रही है, एकदम गैंगस्टर पर बेस्ड मूवी होगी क्योंकि जब पहला प्रोमो आया था एक वेल मैच्योर्ड बिजनेसमैन टाइप वाला लुक दिखाया था थालापति विजय का, एकदम बॉस टाइप। और इसके साथ भाई साहब ब्रेथ टेकिंग मोमेंट तो इसके म्यूजिक ने बना रखा है, BGM बहुत धांसू है, बिल्कुल संजू बाबा की पर्सनैलिटी को इतना निखार कर पेश कर रहा है पब्लिक के सामने, ऑसम। देखो नो डाउट गैंग वॉर पर बेस होगी ये मूवी, लेकिन ये संजय दत्त जो अपोजिट में रखे गए हैं थालापति विजय के, भाई साहब जबरदस्त टक्कर होगी। क्योंकि एक्टिंग के मामले में हम संजू बाबा को जानते ही हैं, ये बंदा आग लगा देगा कसम से। अगर आपको जरा भी डाउट हो तो KGF 2 में अधीरा का रोल देख लेना, भाई साहब जो क्रुएलिटी उसमें दिखाई गई है, जो निगेटिविटी उसमें दिखने को मिली है, बाय गॉड यस के सामने फुल मैच हो था संजू बाबा का ये कैरेक्टर। क्योंकि ऑलरेडी रॉकी भाई का जो गैंगस्टर वाला हाइप था फुल हाई पीक पर था, तो मुझे लग रहा है वही केमिस्ट्री वैसा ही मसाला जल्द देखने को मिलने वाला है फिर से अगेन इस मूवी में। और यस थालापति विजय और संजू बाबा के आमने सामने टक्कर में इमेजिन कर सकता हूं क्या तबाही मचने वाली है मूवी में। अब बस वेट है तो बस इसके फाइनल टीजर का और ट्रेलर का। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी, अब आप लोग बताएंगे कि ये ग्लिम्स आपको कैसा लगा और संजू बाबा का ये लुक दमदार लग रहा है या नहीं। थालापति विजय के सामने ये इतना भारी भरकम रोल क्या जम पाएगा? फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स और अपनी राय और एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और हॉलीवुड बॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।